देहरादून में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई बैठक का आयोजन। सीएम ने सैन्य धाम को लेकर दिए दिशा निर्देश, कहा चरणबद्ध तरीके से बनाई जाए कार्य योजना। देहरादून में कांग्रेस कर रही टूटी सड़कों के पुनः निर्माण की मांग, प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने दिया बयान, कहा जगह जगह से है सड़कों का बुरा हाल। हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली जन जागरण यात्रा, ग्रामवासियों को बीजेपी की नीति से कराया अवगत, ग्रामवासियों से की गई बीजेपी को समर्थन देने की अपील। पंतनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने किया केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का विरोध, कार्यकर्ताओं ने किया विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में सैन्य धाम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए कार्यों की चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाई जाए, सैन्य धाम भव्य और दिव्य बनाया जाएगा, दूसरे राज्यों में बने शहीद स्मारकों का भ्रमण भी किया जाए, उत्तराखंड में बनने वाले सैन्य धाम की भव्यता के लिए क्या किया जा सकता है इसके लिए पूरी योजनाएं भी बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में सैन्य धाम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए कार्यों की चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाई जाए, सैन्य धाम भव्य और दिव्य बनाया जाएगा, दूसरे राज्यों में बने शहीद स्मारकों का भ्रमण भी किया जाए, उत्तराखंड में बनने वाले सैन्य धाम की भव्यता के लिए क्या किया जा सकता है इसके लिए पूरी योजनाएं बनाई जाए। उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सीएम ने सैन्य धाम के निर्माण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उच्च स्तरीय समिति की बैठक का यहां आयोजन किया गया है। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि सीएम ने सैन्य धाम के निर्माण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। देहरादून के कैंट विधानसभा की टूटी सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से मिला। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि कैंट विधानसभा में सड़कों का बुरा हाल है, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। राजेंद्र नगर, जीएमसी रोड, कावली रोड, गोविंदगढ़ क्षेत्रों में बुरा हाल है। आए दिन इन टूटी सड़कों में जल भराव होता है और कोई ना कोई दुर्घटना घटती रहती है। लोक निर्माण विभाग इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिसका खामियाजा जनता को लगातार उठाना पड़ रहा है। तो देहरादून में टूटी सड़कों के निर्माण की मांग, कैंट विधानसभा में सड़कों का बुरा हाल है ये की जा रही है। इनका कहना है कि लगातार सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, इनका पुनर्निर्माण होना चाहिए और जल भराव की समस्या लगातार बनी रहती है, जिसकी वजह से कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कैंट विधानसभा की जो जर्जर सड़कें हैं, जहाँ पे गड्ढे हैं, टूटी पड़ी है, उनको लेकर हमने आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का हमने घेराव किया है और हमने ज्ञापन दिया है। हमने ये मांग करी है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर आपने कैंट विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें टूटी पड़ी है उनको दुरुस्त नहीं किया तो हम यहाँ पे वृहद आंदोलन करेंगे, यहाँ पे धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो हमारे विधायक हैं पिछले 8 बार से लगातार इस क्षेत्र में चुने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति ये हो गई, रोडों में बरसातों के समय में बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ पानी भर जाता है, रोज दुर्घटनाएं हो रही है, लोग सड़कों पर गिर जा रहे हैं, लेकिन विधायक जी नकारा साबित हुए, वो क्षेत्र के विकास में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं और लोक निर्माण विभाग भी उदासीन बना हुआ है। आज हमने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को हमने ज्ञापन दिया है कि जो हमारी कैंट विधानसभा की जो सड़कें हैं उनको 15 दिन के अंदर आप इसको सही करें, ये तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ लोक निर्माण विभाग की यहाँ पे ऑफिसियल कार्यालय में बैठेंगे और इनको बताएंगे कि भाई जो क्षेत्र का विकास किस प्रकार नहीं होता, क्योंकि हमारे कांग्रेस के सभी साथी अपने क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, 15 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो हम बुरा आंदोलन करेंगे। पौड़ी में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश पोदियाल के बयान पर कांग्रेस में राजनीतिक सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं एक समाचार पत्र पर छपे कांग्रेस के संभावित फाइनल दावेदारों की सूची ने हलचल मचा दी है। पौड़ी से नवल किशोर सहित अन्य दावेदारों का नाम प्रकाशित होने पर पौड़ी विधानसभा के सभी दावेदारों की तरफ से कार्यालय में मीटिंग की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो लोग इस तरह की नकली खबरों से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
पौड़ी का एक पूरा मामला जहां पर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। फाइनल दावेदारों की सूची ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो फाइनल दावेदारों की सूची है जो अखबारों में छप रही है वो पूरी तरह से झूठी है। जो भी कोई ऐसा कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण की उपस्थिति में धनारी पट्टी के पीपली स्थित पुराने इंटर कॉलेज में कांग्रेस सम्मेलन और हुंकार रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनारी क्षेत्र के कई जनपक्षीय मुद्दों पर क्षेत्रीय जनता के साथ विस्तृत चर्चा की गई। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस विधानसभा के ब्लॉक पट्टी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रही है और स्थानीय जनता भी बीजेपी की जनविरोधी नीतियों से त्रस्त होकर लगातार कांग्रेस से जुड़ रही है। यहां हुए सम्मेलन में धनारी क्षेत्र के हर गांव से सैकड़ों लोग सहित युवा महिलाएं और सेवानिवृत्त कर्मियों ने पूर्व विधायक सजवाण के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में कांग्रेस ने हुंकार भरी रैली पूर्ण बहुमत से जीतेगी कांग्रेस पार्टी ऐसा कहते हुए नजर आए। तो ऐतिहासिक सभा थी और इसमें अनेक गांव से जो है निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, भूतपूर्व जो है कर्मचारी संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं और नौजवान है, महिला है। मुझे लगता है लगभग 200 जिम्मेदार लोग जो है आज इस प्रांगण में जो है कांग्रेस पार्टी में विजयपाल सजवाण जी के नेतृत्व में जो है उन्होंने जो है आस्था जताई है, यहाँ सम्मिलित हुए हैं और ये संदेश लेके गए हैं कि हम धनारी पट्टी से जो है कांग्रेस पार्टी को विजयपाल सजवाण जी को आगे रखेंगे। देवस्थानम बोर्ड का काला कानून हो, चाहे हमारे चार धाम यात्रा न खुलने का मामला रहा हो, भटवाड़ी यहाँ धनारी के पॉलिटेक्निक के भवन का मामला रहा हो, इंद्रावती में सुरक्षा दीवार का मामला रहा हो, यहाँ पर सड़कों जो सड़क मेरे कार्यकाल में स्वीकृत करी गई थी उनका पुनर्निर्माण का मामला रहा हो, यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर करना मामला रहा, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ की धनारी की जनता अब डबल इंजन की सरकार को सबक सिखाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज ऐतिहासिक पिपली के इस पिपली के इस इंटर का हाईस्कूल के प्रांगण में आज ये संकल्प लिया गया कि सन 2022 में कांग्रेस को यहाँ पर धनारी की जनता अपना आशीर्वाद देना चाह रहे। इस छोटे अपने एक सेवक जो एक भाई के रूप में बेटे के रूप में धनारी की महान जनता ने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस में सम्मिलित होकर इस समय एक हमें नई ताकत और ऊर्जा दी और निसंदेह मैं इस ताकत के बल पर मिशन 2022 को हम फतेह करेंगे और डबल इंजन की इस सरकार को खंडने का संकल्प आप धनारी की धनेश्वर महादेव की इस पवित्र भूमि से हम एक संकेत और एक शक्ति लेकर जा रहे हैं। हरिद्वार के गढ़मीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसके बाद गढ़मीरपुर में ग्रामवासियों को बीजेपी की रीत और नीति से अवगत कराते हुए 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि जन जागरण यात्रा का मुख्य उद्देश्य 2022 में आने वाले चुनाव को लेकर जनता तक बीजेपी की बात को पहुँचाना है। तो हरिद्वार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जन जागरण यात्रा निकाली, ग्रामवासियों को बीजेपी की नीति से अवगत भी कराया गया है। उनका कहना है कि बीजेपी की जो रीति रही है वही नीति है और बीजेपी लगातार जनता के साथ चल रही है, जनता के हित में काम करती है और प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी पूरी तरह से प्रयासरत नजर आ रही है। तभी मेरे भाई हैं, सभी हम पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में और अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनके बीच में मेरा आना जाना लगातार रहता ही है और क्योंकि हमारा संगठन जो है लगातार सक्रिय रहता है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, तो उसी के संबंध में कि कार्यक्रम इस गांव में आज हुआ है और आप देख रहे हैं कितने लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना उत्साह है, सब लोग जमा है। यात्रा निकाली और साथ ही साथ लोगों से मिले हैं, ग्रामवासियों को बीजेपी की नीति से अवगत भी कराते हुए यहां पर जनप्रतिनिधि नजर आए।
वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने आज केंद्रीय पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के विरोध में जवाहरनगर के गोल गेट के पास कृषि मंत्री और विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया, जिसमें जवाहरनगर और शांतिपुरी क्षेत्र में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए और सरकार उद्यान विभाग से कृषि भूमि वापस की जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो सड़क पर उतरकर यूकेडी के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं पंतनगर से, जहां विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन किया गया है और इस पूरे प्रदर्शन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शिक्षा में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन कुछ उत्तराखंड विरोधी ताकतें जो क्षेत्र विशेष के लोग हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में भी इस में उत्तराखंड राज्य के विरोध में एक रक्षा समिति का निर्माण किया और इस उधम सिंह नगर को अलग करने के लिए 4-5 साल तक पहाड़ के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करना, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के साथ गाली गलौज करना, इस तरह की कार्य क्षेत्रीय नेता के द्वारा किए गए और वर्तमान में उसी को यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टिकट दिया एक रक्षा समिति के व्यक्ति को, और वो भी दुर्भाग्य हमारा है कि यहाँ से जीत करके उत्तराखंड की विधानसभा में बैठे हैं और उनके द्वारा वर्तमान में ये विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए बहुत अपने तरीके से कार्य किया। उत्तरकाशी के उपला टकनौर हरसिल झाला में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित पहुंचे। वहीं सभी उपला टकनौर के सेब काश्तकारों ने जिलाधिकारी के सामने सेब के संबंध में अपनी बात रखी। काश्तकारों ने जिलाधिकारी से कहा कि अगर कोल्ड स्टोरेज लीज पर नहीं दिया जाता है तो कम से कम किसानों के लिए जो चैम्बर आरक्षित हैं उसे किसानों के लिए खोल दिया जाए ताकि इच्छुक किसान वहां अपने सेब रख सके। और वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि संबंध में अधिकारियों से बात करके आप लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। तो उपला टकनौर पहुंचे जिलाधिकारी ने सेब काश्तकारों की समस्याएं भी सुनी हैं। उनका कहना है कि लगातार उनकी फसलें खराब हो रही हैं, ऐसे में अगर कोल्ड स्टोरेज में उन्हें जगह नहीं दी जाती जो उनके लिए आरक्षित है जगह, उसमें ही उनको स्टोरेज के लिए जगह मिलनी चाहिए। प्रतापनगर के नगर पंचायत लमगांव के ठीक नीचे 8.25 करोड़ से निर्मित जलकुर नदी पर ग्राम पंचायत पीपलोगी को जोड़ने वाला झूला पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पुल पर रंग रोगन का कार्य भी किया जा चुका है। पुल से लगभग सारी मशीनरी और लेबर हटा दिए गए हैं। कुछ एक लेबर पुल के कार्य को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, लेकिन पुल का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही पुल पर सुरक्षा के लिए लगी रेलिंग और जाली बनने से पहले उखड़नी शुरू हो गई है, जो कार्यदायी संस्थाओं और पुल निर्माण करने वाली कंपनी पर सवाल खड़ा कर रही है। अगर ये दर्शाती हैं तस्वीरें कि पुल पर मानकों के हिसाब से काम नहीं किया गया है, जिस कारण पुल की रेलिंग बनने से पहले ही उखड़नी शुरू हो गई, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता को परखने के लिए पुल के कार्यों की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, झूला पुल के बनने से पहले ही रेलिंग उखड़नी शुरू हो गई है, ग्रामीणों ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक रूट में शामिल कालिदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक पर इस सीजन के पहले दल ने कालिदी खाल पार कर लिया है। ट्रैकिंग दल में कोलकाता की एक महिला सहित 10 सदस्य शामिल हैं। गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाला कालिदी खाल ट्रैक दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैकों में शुमार है। कोरोना संक्रमण का असर भी इस ट्रैक पर पड़ा है। 2020 में इस ट्रैक पर एक भी दल ने ट्रैकिंग नहीं की, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के धीमा पड़ने के बाद पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। दल के गाइड के रूप में कपिल पवार और विपिन पवार ने टीम का मनोबल बढ़ाया और 10 दिन के अंतराल में ट्रैक पार करवाया। तो दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैकों में शुमार कालिदी खाल ट्रैक खोल दिया गया है और ट्रैकिंग दल में भी 10 सदस्य शामिल हैं। 2020 में एक भी यहां पर दल नहीं पहुंचा था ट्रैकिंग के लिए, लेकिन इस बार जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, ऐसे में पर्यटनों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक में जल संस्थान में कार्य करने वाली पीटीसी कर्मचारियों पर ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। वर्तमान समय से कर्णप्रयाग ब्लॉक में 44 ऐसे पीटीसी कर्मचारी हैं जिनका मानदेय मात्र 3,000 रुपए है। हालांकि सरकार की तरफ से 1,000 रुपए इनके मानदेय को बढ़ाने के आदेश भी दिए गए, लेकिन पीटीसी कर्मचारियों का कहना है कि इतने कम मानदेय से परिवार का भरण पोषण नहीं किया जा सकता। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्णप्रयाग ब्लॉक के 44 पीटीसी कर्मचारियों ने आज उपजिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि सरकार अगर मांगों को नहीं पूरा करेगी तो कार्य बहिष्कार के साथ साथ 2022 के चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीटीसी कर्मचारियों ने सीएम को ज्ञापन भेजा है, मांगे पूरी ना होने पर कार्य बहिष्कार की भी यहां पर चेतावनी दे दी है। साथ ही साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट ना देने की भी बात रखी है। तो चमोली से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अपनी मांगे पूरी ना होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी पीटीसी देते हुए नजर आए हैं। हमें सर 100 रुपया रोज के मात्र वेतन दिया जा रहा है, 100 रुपया रोज के हिसाब से, क्योंकि 3,000 है और वर्तमान में सरकार घोषणा करती है 1,000 रुपया, जबकि हम इस काम को 40 सालों से कर रहे हैं और हमारे साथ का एक फीटर है। हमारे इस कर्णप्रयाग विधानसभा ब्लॉक में 170 इधर है जिसमें से कि मात्र 10 फीटर भी रेगुलर नहीं है और सारे पीटीसी कर्मचारी 3,000 और 2,800 वाला वेतन वाले हैं, कोई 2,600 वाला है, इस काम को निरंतर करें। बद्रीनाथ धाम में आतिशबाजी और शोभा यात्रा के साथ गणपति का विसर्जन किया गया। बद्रीनाथ धाम में बद्री शिवा पुरोहित संगठन की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गणेश महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। यहां धाम में 3 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बाद भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकालकर गांधी घाट पर अलकनंदा नदी में विसर्जन कर दिया गया है। भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई है, शोभा यात्रा के साथ गणपति विसर्जन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चमोली से। शोभा यात्रा के साथ गणपति का विसर्जन यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि 3 दिन से गणपति की स्थापना यहाँ पर की हुई थी, बहुत ही जोर शोर के साथ यहाँ पर अब विसर्जन भी कर दिया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ और आतिशबाजी के साथ ये विसर्जन यहाँ पर अलकनंदा नदी में किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगवान गणेश की शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई। चमोली के 8 विकास खंडों में आयोजित हिमालय की अधिष्ठात्री देवी मानंदा का लोकोत्सव सोमवार को नंदा समाप्ति के अवसर पर मानंदा को कैलाश विदा करने के साथ ही संपन्न हो गया। हल्की बारिश और कोहरे की धुंध के बीच सोमवार को नंदा सप्तमी के अवसर पर मधाण की मां नंदा राजराजेश्वरी की डोली सुबह गैरोली पाताल से वेदनी बुग्याल पहुंची, जहां पहुंचते ही मानंदा की डोली ने पूरे वेदनी कुंड की 3 परिक्रमा की और अपने स्थान पर विराजमान हो गए, जिसके बाद वहां उपस्थित श्रद्धालुओं की तरफ से मानंदा को अपने साथ लाए चूड़ी बिंदी चुनरी ब्रह्मकाल ब्रह्मकमल आदि को भेंट कर मानंदा की पूजा अर्चना करके पौराणिक लोकगीत गाकर माँ को कैलाश के लिए विदा कर दिया गया। जो नन्ना देवी राजा राखी है वो वैसे राजा जो मिली होते हैं 12 साल में उसमें जो 7 बहनों का मिलन होता है, लेकिन जो हर वर्ष हमारे गांव से होकर आती है वो डोली लगाकर उसका हर वर्ष सावन या भादों के महीने में सप्तमी पे एक आयोजन होता है, जो हमारे गांव से होते हुए वाण में उसकी लाटू भाई के साथ उसकी विदाई करके ऊपर बैदनी में उसका पूजन करने के पश्चात उसको बांक वाले बांक के रस्ते आर्य विद्या से होते हुए उसको अपने नीचे अपने देवराड़ा या फिर जहाँ वो 6 महीने निकले रहती हैं वहाँ के लिए प्रस्थान किया जाता है। और तमाम प्रकार की जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग सी हैं, लेकिन क्या होता है जो एक अलग सी भावनात्मक जो भावना जुड़ी होती है उससे जो महिलाएं होती हैं, जिस प्रकार से एक बेटी को विदा किया जाता है उस प्रकार से सभी गांवों से उसको विदा करते हुए वैद्य विद्याल में उसकी पूजा को संपन्न किया जाता है और इसी के साथ वो फिर से वापसी के लिए बाग गाँव होते हुए लुवाणी होते हुए फिर देवराड़ा में 6 महीने के लिए चले। अब हम यहाँ से जो है बाँक के लिए जाएंगे, यहाँ से सप्तमी की चाद होगी है और ननिहाल देवरोड़ा में जाएगी और ये हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे के लिए, सारे हम माँ भगवती को लेकर अभी जा रहे हैं और यहाँ यात्रा कर। आज का पड़ाव कहाँ होगा? आज का पड़ाव बांक में है, ग्राम सभा बांक में, और सबसे बड़ा पड़ाव बांक वाली ही। इसको बेदनी है, यहाँ पर महेश मर्दनी का मंदिर है जहाँ पर माता नंदा राज राजेश्वरी ने महिषासुर का वध किया था। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अमुक्ता भरणी नंदा सप्तमी के दिन माँ नंदा राज राजेश्वरी
अनंतों अनंत नवी शताब्दी से यहाँ पर बेदनी कुंड में अपनी सप्तमी की जात करने आती हैं और हर साल यह लोक जात होती है। यहाँ पर बधाण परगना बधाण के 14 सयाणे जो हैं उनके हाथ से भोग लगता है और लाटू रवाण की छत्र छाया में यह जात यहाँ पर संपन्न होती है। ये छोटी जात और बड़ी जात में अंतर क्या है? लोक जात जो है वो बधाण की इष्ट कुल देवी नंदा जो है उसकी अपनी परंपरागत नवी शताब्दी से चलने वाली जो है वो लोक जात होती है, जो प्रत्येक वर्ष चलती है करोड़ मायके से वेदनी में अपनी सप्तमी की जात करके अनंत चतुर्दशी के दिन अपने ननिहाल देवराड़ा में बैठ जाती है। परंतु वहीं 12 वर्षों बाद जो राज जात होती है वो टिहरी के राजा कासवा से लेके आते हैं राज जात को अपनी माता भगवती जगदम्बा के चरणों में अपने खाडू और छतोली को समर्पित करते हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में HRDA सभागार में किसान उत्पादक संगठन योजना संबंधित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस मौके पर अखिलेश डबराल ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन योजना भारत सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले के 6 ब्लॉकों में योजना लागू हो चुकी है। उत्तरकाशी में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं इन दिनों हाईवे पर आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। ताजा मामला यमुनोत्री हाईवे का है जहां सिलकियारा के पास पहाड़ी से अचानक हुए भूस्खलन के कारण एक कार मलबे की चपेट में आ गई। गनीमत यह रही कि कार सवार ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें जहां पर पहाड़ के दरकने से भूस्खलन हुआ और एक जो गाड़ी है उस पे सारा मलबा आ गिरा। गनीमत रही कि ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। हरिद्वार में कनखल के प्राचीन मंदिर दरिद्र भजन में बासु मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक की तरफ से पंडित गंगाधर मिश्रा सेवा समिति के सौजन्य से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें काइनपड़िया अर्थो और फिजिशियन के डॉक्टर भी थे। इस शिविर में ब्लड टेस्ट भी निशुल्क किया गया जिसमें संस्था के MD शशिधर मिश्रा ने बताया कि शिविर में देहरादून के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए गए हैं। बासु मल्टी स्पेशलिस्ट के अंतर्गत ही उनका ये शिविर लगाया गया है जिसमें OPD के साथ साथ ब्लड टेस्ट भी निःशुल्क कर रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। और उसी हॉस्पिटल के अंतर्गत हमारा ये कैंप चल रहा है जिसमें गायनिक में डॉक्टर प्रीति पांडे बैठी हुई हैं और चाइल्ड फिजिशियन में डॉक्टर राजन बैठे हुए हैं, ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर अरुण ध्यानी बैठे हुए हैं, एक ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर इमाम बैठे हुए हैं, साथ में फिजिशियन में डॉक्टर एन कुमार बैठे हुए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि सबका हम लोग OPD के साथ साथ ब्लड टेस्ट भी फ्री कर रहे हैं ताकि उनको अधिक से अधिक सुविधा हम लोग दे सके और उनको उनका कोई भी खर्च ना हो। ये कोई ध्येय नहीं है कि सिर्फ OPD कर रहे हैं, हम लोग साथ साथ में ब्लड टेस्ट भी दे रहे हैं। कोई लिमिट है या फिर कितने भी हो? जितने भी हो, कोई लिमिट नहीं है। जो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन होगा वो मेडिसिन भी उपलब्ध करा रहे हैं नहीं? मेडिसिन का तो अभी कुछ है नहीं क्योंकि जगह की कमी है और कुछ कंपनी से बात नहीं हो पाई है। ये जो कि हॉस्पिटल हमारा OPD और बाकी जांच घर से रिलेटेड है तो हम लोग उसको। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।